हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूं और आज इस वीडियो के मैं आपको अपनी रसोई में मौजूद ऐसे हर्ब और स्पाइस के बारे में बताने जा रही हूं जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू का भंडार होता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं मेथी दाने के बारे में, सीड्स भी कहा जाता है। बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो एक टेबल स्पून मेथी दाने के अंदर 35 कैलोरीज होती हैं, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 3 ग्राम प्रोटीन्स, 3 ग्राम फाइबर और लगभग 1 ग्राम के आसपास फैट होता है। इसके साथ ही साथ इसमें आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सेलेनियम, फॉलेट, फ्लेवोनॉइड्स, बायोटिन और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों का हमारे सिस्टम पर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है और जो चीज़ हम मल्टीविटामिन टैबलेट्स के रूप में इस मेथी दाने के थ्रू प्राप्त होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका हमारी बॉडी पर किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है और कैसे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शुगर की बीमारी कितनी तेज़ी से हमारे समाज में फैल रही है, ऐसे में अगर मेथी दाने को रेगुलर यूज़ किया जाए तो ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और हमारे इंसुलिन सिस्टम पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। लेकिन इसको सही तरीके से प्रयोग करना भी हमें चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये एक ब्रेन फूड की तरह भी आता है और इसके ढेर सारे केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं, हमारी के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए भी मेथी काफ़ी कारगर है और हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकती है। इसके अंदर एक ये भी प्रॉपर्टी है कि ये लीवर में जमा टॉक्सिन्स को निकालने की क्षमता रखती है और हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव एबिलिटी को कम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होने के कारण हमारी बॉडी में अगर कहीं सूजन है तो ये उसको भी कम सक्षम है। हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, मेनोपॉज के समय जो प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती हैं और मिल्क प्रोडक्शन यानी महिलाओं के अंदर जो गर्भवती महिला जो होती हैं उनके अंदर मिल्क बढ़ाने का भी ये काम करती हैं। एक और इसका बहुत अमेजिंग बेनिफिट है हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए, साथ ही साथ ये हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन एबिलिटी को बढ़ाने में भी काफ़ी कारगर है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए एलर्जी के पेशेंट्स भी जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत बार बार होती है उन्हें भी सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए ताकि उन्हें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिले। कंप्लेंट्स के पेशेंट भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनको भी ये काफ़ी फायदेमंद होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना चाहिए। मेथी दाने को प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लगभग 5 से 8 ग्राम मेथी को धुलकर सफाई करके और साफ पानी में उसे रात में भिगो देना चाहिए और सुबह में उस पानी का सेवन करना चाहिए और मेथी दाने को चबाकर खाना चाहिए। एक दूसरा तरीका यह है कि मेथी दाने को साफ करके उसको भूनकर उसका पाउडर बना लिया जाए और करीब 10 ग्राम के आसपास उसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन एप्लीकेबल ये है कि हमें मेथी दाने का प्रयोग कुछ दिन करने के बाद उस पर एक ब्रेक लगा देना चाहिए, जैसे कि 15 से 20 दिन अगर हमने उसको सेवन किया है तो कुछ दिन का गैप हमें लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी पर किसी प्रकार के साइड इफेक्ट ना हो और ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तब वो एक औषधि है और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ने लगते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स मेथी के बारे में। ऐसे ही कुछ आपके लिए यूज़फुल जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।